पवन सिंह की मां ने पवन सिंह का खोल दिया पोल। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार इसी के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहता हूँ, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह इस समय जोरों शोरों से बिहार के कराकाट में चुनाव प्रचार कर रही हैं। और आज भी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह चुनाव प्रचार करने वाली हैं बिहार के कराकाट में, जो कि आप लोग देख सकते हैं पोस्टर आ चुका है कहाँ कहाँ पे ज्योति सिंह आने वाली हैं बिहार के कराकाट में, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। और पवन सिंह भी इस समय चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, रातों दिन पवन सिंह चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच पवन सिंह की मां ने पवन सिंह को लेकर एक नया खुलासा किया है, चलिए आप सभी को बता देना चाहता हूं इस वीडियो में। पवन सिंह की मां ने बोला है कि मैं अपने बेटा पवन को कराकाट के लिए सौंप दिया हूँ और मेरा बेटा बहुत ही अच्छा काम करेगा, मेरे बेटे को आप लोग जिताइए। अगर मेरा बेटा काम नहीं करेगा, कहीं से शिकायत मिलेगा तो मैं अपने बेटे को कान पकड़ कर मारूंगी। हाँ, तो दोस्तों पवन सिंह की माँ ने बहुत ही अच्छा अच्छा बात बोला है, जो की आप लोग इंटरव्यू जाकर YouTube पर देख सकते हैं। और पवन सिंह को भी बिहार के कराकाट में भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है और वहां की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को जिताना है, क्योंकि बाकी उम्मीदवार ने कोई कुछ काम नहीं किया है। इसी वजह से जनता पूरी तरह से नाराज है बाकी लोगों पे, और इस बार मूड बना लिया है पूरा जनता ने कि पवन सिंह को बिहार के कराकाट से जिताना है। बाकी पवन सिंह की माने जो भी बातें बोला है बहुत ही अच्छा बोला है। और पवन सिंह की माने एक और खुलासा किया है कि बचपन में मैं अपने बेटे को खूब पीटा हूँ, आज भी पीटती हूँ। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।